आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का आपके किसी भी कोड में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। इस टॉपिक के बिना आप अपने कोडिंग को इमेजिन भी शायद नहीं कर सकते हो। जिस ऑपरेटर का नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि IOI एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है और मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स को वैसे एग्जाम्स को अटेंड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ये सब हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां पर हम लोग IOI को काफी डिटेल में समझ रहे होंगे। ठीक है सर, अब हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत हद तक क्लियर हो चुकी है। अब हमें रियल कोडिंग करनी है, जैसे कि कोडर्स करते हैं ना, प्रोग्रामर्स करते हैं, जैसे कि हमने फिल्मों में देखा है, हमें वैसी कोडिंग करनी है। तो चिंता मत करो, बिल्कुल हम लोग उस कोडिंग को करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड हर्ष भरद्वाज, वेलकम यू ऑल इनटू द अनदर अमेजिंग सेशंस ऑफ कोड इंडिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि CBSE ने क्लास 6 टू 8 के लिए कोडिंग के करिकुलम्स और क्लास 8 टू 12 के लिए डेटा साइंस के करिकुलम को इंट्रोड्यूस करा है, तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 6 कोडिंग के चैप्टर 3 के नेक्स्ट लेक्चर जो कि है लेक्चर 8 को डिस्कस कर रहे होंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने एडिशनल ऑपरेटर और अरिथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था कि अरिथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का आपके किसी भी कोड में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। इस टॉपिक के बिना आप अपने कोडिंग को इमेजिन भी शायद नहीं कर सकते हो। जिस ऑपरेटर का नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। आज हम लोग इसको डिस्कस कर रहे होंगे। आगे चलने से पहले मैं बता दूं कि ZIU के एग्जाम डेट्स रिवील हो चुके हैं। मैं एक डिटेल्ड में वीडियो लाने जा रहा हूं IOI और उसके डिफरेंट स्टेजेस, ZIU के ऊपर स्ट्रेटेजीज के ऊपर। जो हमारे कोर्सेस आ रहे हैं वो पेड होंगे या फ्री होंगे, इस पर हम लोगों ने बहुत कुछ ऐड करा है, तो जस्ट आज या कल में वीडियो रिलीज हो जाएंगी। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरे चैनल पर जनरली CBSE कंटेंट देखने वाले बच्चों की नंबर्स ज्यादा है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि IOI एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है और मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स को वैसे एग्जाम्स को अटेंड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ये सब हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां पर हम लोग IOI को काफी डिटेल में समझ रहे होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा कि एक बार आप लोग जरूर ट्राई करें, और अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक प्लेलिस्ट की जरूरत पड़ेगी जो कि ऑल अबाउट IOI, जहां पर हम लोग IOI से रिलेटेड हर एक चीज उस वीडियो में डाल रखे हैं। तो ऊपर आई बटन पर आ रहे लिंक पर क्लिक कर आप ऑल अबाउट IOI के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, जहां पर IOI क्या है, कैसे एग्जाम्स होती हैं, कितने स्टेप्स में एग्जाम्स होती हैं, कैसे उसकी प्रिपरेशन करते हैं, क्या उसका सिलेबस होता है, सब कुछ, एलिजिबिलिटी क्या है, सब कुछ वहां पर आपको मिल जाएगा। अब टाइम को बिना वेस्ट करते हुए चलते हैं हम लोग अपने असाइनमेंट ऑपरेटर पर, सीखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है। तो ये जो है, मैं जैसे कि बोलता हूँ कि कोडिंग जो है बेसिकली हमारे मैथ से थोड़ा अलग है, तो ये बात आपको यहाँ पर पता चले जाएगी कि किस तरीके से वो मैथ से थोड़ा अलग है। मैं एक और बात बता दूं कि आप लोगों को लग रहा होगा कि सर पिछले 6 लेक्चर से हम लोग तो जनरली प्रैक्टिकल बहुत कम किए हैं, जो रियल कोड होता है वो तो कभी कर ही नहीं पाए हम लोग। बेसिकली या तो आप हम लोगों को ब्लॉक कोडिंग सिखा रहे, जिसको कि बच्चों वाले भी कोडिंग कह सकते हैं, जिसमें इवेंट और ऐप हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज हो, जहां पर हम लोगों को कोड नहीं लिखना रहा है, बस एक ब्लॉक उठा के यहां से वहां करना पड़ रहा है और हमारा प्रोजेक्ट बन जा रहा है। ठीक है सर, अब हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत हद तक क्लियर हो चुकी है। अब हमें रियल कोडिंग करनी है, जैसे कि कोडर्स करते हैं ना, प्रोग्रामर्स करते हैं, जैसे कि हमने फिल्मों में देखा है, हमें वैसी कोडिंग करनी है। तो चिंता मत करो, बिल्कुल हम लोग उस कोडिंग को करेंगे। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है बेस्ट कोडिंग ऐप इन 2021, जो कि मैंने पिछले साल बनाया था। उसमें मैंने C++ के लिए अलग ऐप को रिकमेंड करा था और पाइथन के लिए पाइडरॉइड नाम के अलग ऐप को रिकमेंड करा था। पहले जाकर तुम लोग उस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लो, और उसके बाद जैसे जैसे क्लासेस में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, वहां पर हम लोग रियल कोडिंग सीखते जाएंगे। आज के भी क्लास में हम लोग थोड़ा सा रियल कोडिंग सीखेंगे, लेकिन वो बहुत ही बेसिक होगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग उस ऐप पे जाकर वैसा कोडिंग कर सकते हैं। और हम लोग अपने असाइनमेंट ऑपरेटर को पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैथ्स में इक्वल टू का सिंबल ये होता है, वैसे ही कोडिंग में इक्वल टू का सिंबल ये नहीं होता है। ये जो सिंबल होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर का। ठीक है, अब चलो एक और हम लोग बात डिस्कस करते हैं। तो भैया इक्वल टू का सिंबल क्या होता है? अगर हमें कोडिंग में इक्वल टू यूज करना होगा तो इक्वल टू का सिंबल क्या होता है? तो इक्वल टू का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, जब हम लोग दो बार इक्वल टू लिखते हैं कोडिंग, इसको हम लोग
इक्वल टू मानते हैं, EQUL इक्वल टू, हम लोग इसको मानते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया कि अगर कोडिंग में हमें सिंगल ये लाइन दिया रहेगा तो हम इसका मतलब समझेंगे कि यह असाइनमेंट ऑपरेटर, और दो बार ये साइन दिया रहेगा तो इसका मतलब हम समझेंगे इक्वल टू। लेकिन मैथ्स में इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इक्वल टू, लेकिन कोडिंग में इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर या असाइनमेंट टू। आई थिंक यहाँ तक तो कोई डाउट भी नहीं बची होगी। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं कि इसके राइट साइड में हमेशा हम लोग कोई ना कोई डेटा लिखते हैं, इसके राइट साइड में हम लोग क्या करते हैं कोई ना कोई डेटा लिखते हैं, और इसके लेफ्ट साइड में हमारा कोई ना कोई क्या होता है, वेरिएबल होता है, कोई ना कोई वेरिएबल होता है। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक ऐसा डब्बा होता है जिसमें कोई ना कोई हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम ही यही है कि इसके राइट साइड में जो डेटा है ना उसको उठा के इस वेरिएबल में स्टोर कर दे, उसको उठा के क्या करें कि ये इस वेरिएबल में स्टोर कर दे। आई थिंक अब बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि इस ऑपरेटर का क्या ऑपरेशन है और ये क्या काम करता है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ में आया कि जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है उसके राइट हम हमेशा डेटा को रखेंगे और जो भी डेटा होगा वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कोई ना कोई डेटा ही हो, हमेशा डेटा हो ये भी जरूरी नहीं है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि इंट, हम लोग एक वेरिएबल बनाए बी और उसके अंदर हम लोग क्या कि 5 को स्टोर कर दिए, ठीक है। चलो इसको हम लोग थोड़ा सादा जगह पर देखते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को मैं अच्छा से डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। सपोज दैट कि हम लोग एक वेरिएबल बनाए बी जिसका कि डेटा टाइप इंट है और इसमें हम लोग कोई वेरिएबल स्टोर कर दिए 5, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि ये देखो तो ये यहाँ पर वेरिएबल है और ये यहाँ पर एक डेटा है, यहाँ पर क्या हुआ कि डेटा जो है आकर बी में स्टोर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो जब तक जो भी पढ़े कि राइट में जो भी डेटा है वो लेफ्ट में आके स्टोर हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि राइट में हमेशा डेटा ही हो। हम वहां पर सिंपल वैल्यू लिख दी कि हाँ डेटा जनरली होता है लेकिन हमेशा डेटा हो ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर अब देखो, अब अगर हम लोग लिखते हैं a इज इक्वल टू b, ठीक है, और जब हम लोग a के वैल्यू को प्रिंट करेंगे, जब हम लोग a के वैल्यू को प्रिंट करेंगे, जब हम लोग C++ पढ़ते हैं ना, जब हम लोग C++ पढ़ते हैं तो C++ में किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम लोग cout लिखते हैं और उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर लिखते हैं और उसके बाद उस वेरिएबल को हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो तो b है यहाँ पर, अब b तो कोई डेटा नहीं है लेकिन b के अंदर एक डेटा है 5। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल या एक्सप्रेशन होगा, यहाँ पर अगर कोई वेरिएबल या एक्सप्रेशन होगा तो उसका जो वैल्यू इवेल्यूएट होके आएगा उसको a में स्टोर कर देगा। जैसे कि एक और बात समझो मेरा, मान लो कि हमारा इंट a बराबर 5 है, इंट b बराबर मान लो 10 है। अब हम लोग एक और वेरिएबल बना रहे हैं इंट c जिसका वैल्यू क्या है, a प्लस बी है, ठीक है। तो जब हम लोग प्रिंट करेंगे कि भैया आप हमको प्रिंट करके बताइए कि c के अंदर क्या में स्टोर है, हमारे c के अंदर क्या स्टोर है, आप हमको प्रिंट करके बताइए, आप हमको बताइए c के अंदर क्या स्टोर है। तो देखो तो यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर है और इसके बगल में यहाँ पर एक्सप्रेशन है। तो क्या होगा कि पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाएगा, इस एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व किया जाएगा और उसके बाद मान लो कि a प्लस बी कितना है 15 आया, तो 15 आया ना, तो इसका जो आंसर होगा ना उसको लाके सी में स्टोर किया जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो चुका है कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है। मान लो कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है तो इसके लेफ्ट साइड में क्या क्या हो सकता है, इसके लेफ्ट साइड में या सॉरी राइट साइड में या तो डेटा होगा या तो वेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा या तो एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो डेटा या जो वेरिएबल में स्टोर्ड वैल्यू है वो या जो एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा वो, उन सभी को क्या करेगा, ये राइट में जो भी वेरिएबल हमारा होगा, राइट में जो भी वेरिएबल होगा इसके अंदर लाकर स्टोर कर देगा, ठीक है। हमेशा जो हमारा लेफ्ट है, जो हमारा लेफ्ट है उसमें हमेशा वेरिएबल होगा और राइट में डेटा, वेरिएबल, एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, और जो भी राइट वाली चीजें हैं वो इसको लाकर लेफ्ट में हमेशा स्टोर करता है। थोड़ा राइट लेफ्ट में अगर मैंने कुछ थोड़ा राइट और लेफ्ट में अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो समझ जाना यार मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि हमेशा राइट वाला जो है वो आके लेफ्ट में स्टोर होता है, तुम एरो से समझ सकते होगे। आई थिंक यहाँ तो असाइनमेंट ऑपरेटर, अब आपको कोई भी डाउट बची ही नहीं होगी, बच ही नहीं सकती है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बेसिक कोडिंग सिखा देता हूँ, उस ऐप को इंस्टॉल कर आप लोग को C++ की एक बेसिक कोडिंग सिखा देता हूँ किस तरीके से करते हैं। अब हम लोग बेसिकली समझ सकते हैं एक कोड लिख रहे हैं कि उस ऐप में आप जाकर कैसे इस कोड को लिख सकते हो। तो हम लोगों ने इस हम लोगों ने C++ की प्लेलिस्ट कर रखी है, वहां से उस क्लिप को मैं उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ और वहां से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम अपना कोडिंग करते हैं और किस तरीके से किसी भी वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। बेसिकली हमने डिस्कस कर रखा है कि कोडिंग क्या होता है, कोडिंग में क्या होता है कि हम लोग कुछ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करते हैं जो कि कंप्यूटर को बताते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक टास्क को कैसे परफॉर्म करना है।
तो आज का हमारा टास्क क्या होगा, हम चाहते हैं कि जो मेरा मन हो, अगर हम कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, क्या क्या कोड लिखना पड़ेगा। ओके, तो आज का जो हमारा C++ प्रोग्राम लिखे, आज हम लोग C++ प्रोग्राम लिखेंगे टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ऑन द स्क्रीन। हम लोग आज स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना सीखेंगे, बट बेसिकली जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो मैं आपको वहां बताऊंगा कि आप हेलो वर्ल्ड की जगह पे कोई भी चीज अगर आप प्रिंट कराना चाहें तो आप वो प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। ये तो बस एक एग्जांपल मात्र होगा। ओके, तो अगर हम लोग सबसे सिंपल C++ प्रोग्राम की बात करें तो ये सबसे सिंपल C++ प्रोग्राम है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि एक एक करके इसके हर एक पॉइंट का मतलब समझेंगे। जैसे कि आपको, आप शुरू में देख रहे होंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि ये क्या है, नेम स्पेस स्टैंडर्ड, इंट मेन क्या है, सी आउट क्या है, ये हैश इंक्लूड स्ट्रिंग क्या है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा अगर आप बिगिनर्स हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक एक वर्ड का काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे कि कैसे हर एक वर्ड का क्या मीनिंग है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि पहला लाइन जो है वो पाउंड साइन से शुरू हो रहा है। आप इसको पाउंड साइन बोल सकते हैं या आप इसको हैश साइन भी बोल सकते हैं, आप इसको हैश साइन या पाउंड साइन कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो पाउंड साइन से जो भी लाइन, पाउंड साइन से जो भी लाइन स्टार्ट होता है ना, उस लाइन को हम लोग डायरेक्टिव लाइन कहते हैं, और वो कंपाइल्ड होने से पहले प्री प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस्ड किया जाता है। ओके, अब हम बताते हैं कि प्री प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस करने का मतलब हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे। पहले समझते हैं कि जो भी लाइन पाउंड साइन से शुरुआत होता है वो डायरेक्टिव लाइन होता है। जैसा कि नाम से क्लियर है, डायरेक्टिव लाइन का मतलब वो लाइन जो कि हमारे कंपाइलर को या हमारे सिस्टम को कुछ ना कुछ डायरेक्शन दे रहा होगा, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा। तो हैश इंक्लूड का मतलब ये कि हमारे कंपाइलर को बोल रहा है या हमारे प्रोग्राम को बोल रहा है कि तुम्हें कुछ फाइल को इंक्लूड करना है। अब किस फाइल को इंक्लूड करना है, तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, मतलब कि आईओ स्ट्रीम नाम के स्टैंडर्ड फाइल को इंक्लूड करना है। अब पहले लाइन का मतलब ये हो गया कि हम बोलना चाह रहे हैं कंपाइलर को कि आप आईओ स्ट्रीम नाम के स्टैंडर्ड फाइल लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लीजिए। तो अब अगर हमारे कंपाइलर को ये डायरेक्शन दिया जा रहा है कि आईओ स्ट्रीम नाम के फाइल को अपने अंदर इंक्लूड कर लीजिए, तो जरूर उस फाइल में कुछ ऐसा स्टोर होगा जो कि हमारे फंक्शन को, जो कि हमारे कोड को बहुत सारे फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा होगा। यहाँ पर जो आईओ स्ट्रीम है उसका मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेडर फाइल लाइब्रेरी कहते हैं, हेडर फाइल लाइब्रेरी कहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग नाम से क्लियर है कि ये बोल रहा है कि आईओ स्ट्रीम नाम के फाइल को इंक्लूड करने का, जिसको हम लोग हेडर फाइल लाइब्रेरी कह रहे हैं, तो ये एक ऐसा फाइल है जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस को कंटेन करता है या डिक्लेयर करता है। ओके, मतलब कि हमारे प्रोग्राम को इनेबल करता है कि हम लोग इसमें कुछ भी इनपुट ले सके या कुछ भी आउटपुट दिखा सके, मतलब कि ये हमारे प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट के फंक्शनैलिटी को इनेबल करेगा। ओके, थोड़ा हम लोग प्री प्रोसेसर का समझ लेते हैं कि प्री प्रोसेसर क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं प्री प्रोसेसर का, पहले हम थैंक्स देना चाह रहे हैं गीक्स फॉर गीक्स से ये हमने स्लाइड्स उठाया है। C++ में प्री प्रोसेसर पहले समझते हैं क्या होता है। तो हम लोग मानते हैं कि सबसे पहले जो हम लोग एक सोर्स कोड लिखे उसको हम C++ सोर्स कोड कह देते हैं। C++ सोर्स कोड जो भी हम लोग लिखे वो एक C प्रोग्राम बना। तो ये C प्रोग्राम जो है यहाँ पर पहले चेक होता है कि इस C प्रोग्राम में कोई भी डायरेक्टिव लाइन्स है या नहीं, मतलब कि वो लाइन्स जो कि पाउंड साइन से शुरू हो रहे हैं वैसे कोई लाइन्स है या नहीं। अगर इस प्रोग्राम में डायरेक्टिव लाइन्स होंगे तो पहले ये प्री प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस करा जाएगा, और प्रोसेस करने के बाद इसको कंपाइल करा जाएगा, ठीक है। प्रोसेस करते वक्त क्या होगा कि इसमें हेडर फाइल लाइब्रेरी को इंक्लूड करा जाएगा, और हेडर फाइल लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के बाद इसको कंपाइल करने के लिए भेजा जाएगा। और अगर इसमें कोई भी पाउंड साइन नहीं है, कोई भी डायरेक्टिव साइन नहीं है, तो इसको डायरेक्ट कंपाइल करने के लिए भेजा जाएगा। एक बार जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा सोर्स कोड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट कोड में। अब ऑब्जेक्ट कोड जो है वो लिंकर से क्रॉस करेगा, और लिंकर से पास होने के बाद ये हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि अब एग्जीक्यूशन के लिए प्रॉपर रेडी है। और फिर हमारा प्रोसेसर या कह सकते हैं CPU जो है इसको प्रोसेस करके जो भी आउटपुट देना होगा वो देगा। ये काफी लंबा प्रोसेस होता है। अगर आपने जानना है कि कोडिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, तो ऊपर आई बटन पर आ रहे लिंक पर क्लिक कर आप लोग एक वीडियो हमने बनाया था डिफरेंस बिटवीन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि कोडिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। बेसिकली हम लोग यहाँ पर प्री प्रोसेसर के बारे में समझ रहे थे कि अगर कोई भी हमारे कोड में या हमारे प्रोग्राम में कोई भी अगर डायरेक्टिव लाइन होता है या वो लाइन होता है जो कि पाउंड साइन से शुरू हो रहा है,
है तो उसको पहले प्री प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, जहाँ पे उसमें हेडर फाइल लाइब्रेरीज को इंक्लूड किया जाता है जो कि हमारे प्रोग्राम में डिफरेंट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आईओ स्ट्रीम जो है, आईओ स्ट्रीम का फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो ये जो हेडर फाइल लाइब्रेरी है वो हमारे प्रोग्राम में आउटपुट और इनपुट को इनेबल करते हैं। लाइक हम लोग आगे सी आउट फंक्शन यूज करेंगे, सी आउट फंक्शन यूज करेंगे, सी इन फंक्शन यूज करेंगे। तो ये फंक्शन इसीलिए हम लोग यूज कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी इस हेडर फाइल लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। ओके, नहीं तो हमें फिर से इसे डिक्लेयर करना पड़ता है, इसके पैरामीटर्स निकालने पड़ते हैं। वो मैं बताऊंगा जब फंक्शन पढ़ूंगा कि एक फंक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि उसे डिक्लेयर करना पड़ता है, उसके पैरामीटर्स डिफाइन करने होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन करने होते हैं, फिर उस फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इस आईओ स्ट्रीम नाम के हेडर फाइल लाइब्रेरी का होने के कारण हम बहुत आसानी से सी आउट और सी इन फंक्शन यूज कर पाते हैं अपने प्रोग्राम में। अब चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की ओर। ये तो हो गया हमारा हेडर फाइल लाइब्रेरी को इंक्लूड हम लोग यहाँ पर कर दिए। अब उसके बाद सेकंड लाइन है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड का बस हम लोग इतना मतलब समझते हैं कि यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि जो भी हम लोग फंक्शन या वेरिएबल का नेम डिसाइड कर रहे होंगे वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से करेंगे। क्योंकि कुछ कुछ वर्ड जो है वो रिजर्व वर्ड है सी प्लस प्लस के लिए, जिसको हम लोग वेरिएबल्स के नेम में यूज नहीं कर सकते। बेसिकली वेरिएबल जब टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि किसी भी वेरिएबल का जो है नाम वो हम लोग कैसे लिखते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें जो हम नहीं कर सकते, वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि C++ के लिए रिजर्व हैं जो कि हम लोग यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। खैर, हमारे प्रोग्राम में जो यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड है इसको एक बैड प्रैक्टिस कहा जाता है और नहीं यूज़ किया जाता, फिर भी मैंने यहाँ पर यूज करा ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि ये बैड प्रैक्टिस कैसे है और इसके जगह पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। लाइक मैं हिंट दे देता हूँ कि इसके अल्टरनेटिव में हम लोग इसको ऑपरेटर का यूज करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, ये जब हम लोग कोड लिखेंगे वहां पर उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। यहाँ पे इंट मेन लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मेन है ये एक फंक्शन है। पहले समझते हैं कि सी प्लस प्लस में फंक्शन क्या होता है। एक फंक्शन जो है वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है, या कह सकते हैं कि एक बहुत सारा लाइंस होता है। एक फंक्शन जो है वो ग्रुप ऑफ लाइंस, बहुत सारे लाइंस होते हैं, बहुत सारे कोड्स होते हैं, या कह सकते हैं एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसका कि टास्क होता है, एक स्पेसिफिक टास्क होता है कि वो किसी भी खास एक्शन को परफॉर्म करे। ओके, तो वैसे ही ये मेन एक फंक्शन है, ठीक है, जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है। मतलब कि इस फंक्शन में हम बताते हैं कि फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो फंक्शन की, तो फंक्शन को एक मशीन की तरह माना जाता है जिसमें हम लोग कुछ डेटा को इनपुट देते हैं, और अंदर कुछ तो खलबली, कुछ तो प्रोसेसिंग होती है, कुछ तो कलाकारी होती है, और इसमें से कुछ आउटपुट निकलता है, कुछ आउटपुट हमें मिलता है। मतलब कि यहाँ से कुछ इनपुट डालते हैं, अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होता है, कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होता है, और उसमें से कुछ ना कुछ आउटपुट निकलता है। तो इसी मशीन को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो इस फंक्शन में अगर हम लोग कुछ इनपुट डाल रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ आउटपुट होगा। मतलब एक फंक्शन यूज जहाँ भी हो रहा है उसका कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा। तो कंप्यूटर में इसी आउटपुट को हम लोग रिटर्न वैल्यू कहते हैं। जैसे कि मैथ्स में फंक्शन में हम लोग इनपुट और आउटपुट करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर साइंस में हम लोग इसको रिटर्न वैल्यू कहते हैं। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये मेन फंक्शन हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो सब कुछ ना कुछ रिटर्न वैल्यू आएगा, तो रिटर्न वैल्यू एक इंटीजर ही होगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि मेन एक ऐसा फंक्शन है जिसका रिटर्न वैल्यू इंटीजर होगा। अब मेन फंक्शन का काम क्या है, मेन फंक्शन जो है हमारे सी प्लस प्लस कंपाइलर को बताता है कि आपको प्रोग्राम का या कोड का एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू करना है। मतलब कि जो भी हम लोग कंप्यूटर को टास्क देंगे, जो भी हम लोग कंप्यूटर से टास्क करवाना चाहते हैं, उसके लिए जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो मेन फंक्शन के अंदर में लिखेंगे। जैसे कि हम चाह रहे थे कंप्यूटर से हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराए, तो ये जो हेलो वर्ल्ड हम कहाँ लिख रहे हैं, मेन फंक्शन के अंदर में हम लोग लिख रहे हैं। ये कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ, मतलब कि यहाँ पर फंक्शन ओपन हुआ है और यहाँ पर फंक्शन क्लोज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न जीरो को मतलब मैंने बताया था कि चूंकि ये मेन फंक्शन जो कि एक इंटीजर वैल्यू को ही रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर ये जो जीरो है वो एक इंटीजर है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि हमारा जो मेन फंक्शन है वो सक्सेसफुली रिटर्न हो गया, सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ओके, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मेन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि हमारे कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है कि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इसी पोजीशन से शुरू होगा, चाहे वो मेन फंक्शन कोड में कहीं भी मौजूद हो सकता है सबसे ऊपर ही मौजूद हो सकता है सबसे नीचे ही मौजूद हो,
तो अगर सबसे नीचे भी मौजूद होता है तो ऊपर जो भी लाइन लिखे हुए रहेंगे हमारा कंपाइलर उनको इग्नोर करके जो मेन फंक्शन में चीजें लिखी हुई रहेंगी उन्हीं को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इन बातों को और डिटेल में समझेंगे कि अगर हम कोई फंक्शन को ऊपर डिक्लेयर करते हैं तो हम और उसको अगर मेन फंक्शन में लिखेंगे तभी वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो फंक्शन भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब कि मेन फंक्शन को हम समझ सकते हैं कि सपोज दैट आप किसी रेस्टोरेंट में गए तो काउंटर पे आप जाकर ऑर्डर देते हैं और जैसे आप काउंटर पे ऑर्डर देते हैं तो वो ऑर्डर अंदर जाता है, कोई डिश बनाता है, कोई डिश टू बनाता है, कोई डिश थ्री बनाता है, कोई डिश फोर बनाता है और वेटर लेकर आपको आके सर्व कर देता है। लेकिन आपका जो ऑर्डर फॉलो करना है कहाँ से शुरू हुआ, उस काउंटर पर से शुरू हुआ ना, तो उस काउंटर पर जो आदमी है आप उसको कह सकते हैं मेन फंक्शन है कि जहां पर हम अपना ऑर्डर देंगे तो वहीं से उसका एग्जीक्यूशन शुरू होगा और कहीं से एग्जीक्यूशन शुरू नहीं होगा। किसी किसी रेस्टोरेंट में जहां पर आप कोई अगर बड़ा रेस्टोरेंट है तो वहां पर अगर आप बैठेंगे तो वेटर आता है आपका ऑर्डर लेने के लिए, तो जिस वेटर को आप ऑर्डर अपना देते हैं आप मान सकते हैं कि वहीं से आपका ऑर्डर का एग्जीक्यूशन हुआ, तो वेटर आपका मेन फंक्शन हुआ। तो मेन फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं जहां से आपके कोड या जहां से आप जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं उसको फॉलो करने की जहां से शुरुआत होती है उस फंक्शन को मेन फंक्शन कहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सी आउट का मतलब होता है आउटपुट इन C++। सी आउट एक ऐसा फंक्शन है जो कि कुछ भी प्रिंट कराने में हेल्प करता है। मतलब सी आउट एक ऐसा फंक्शन जो कि हमें इनेबल करता है कि अगर हम कुछ भी प्रिंट कराना चाहें तो हम करा सकते हैं। तो इस फंक्शन को यूज करने का ये सिंटैक्स है कि पहले हमको सी आउट लिखना होता है, उसके बाद ही हमें इंसर्शन ऑपरेटर देना होता है, उसके बाद हमें दो इन्वर्टेड कॉमा लगाने होते हैं और फिर ये हेलो वर्ल्ड लिखना होता है। ये जो भी इसके अंदर लोग प्रिंट कराना चाहते हैं, माय नेम इज हर्ष, कुछ भी आप लिखेगा वो प्रिंट हो जाएगा। जब हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल तो वहाँ पर इन चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में सेमी कॉलन लगाना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो सेंटेंस जब कंप्लीट होता है तो ये साइन लगता है, और जब अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो सेंटेंस कंप्लीट होता है तो आप फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक उसी तरीके से कोडिंग में जब आपका एक कोड खत्म हो जाता है, मतलब कि एक सेंटेंस एक इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है, तो आप वहाँ पे ये सेमी कॉलन का साइन लगाते हैं। ओके, उसके बाद रिटर्न जीरो लिख के फिर से सेमी कॉलन का साइन लगाते हैं और फिर बस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और हमारा प्रोग्राम रन हो गया। तो चलिए आप प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम अपने कोड को कैसे रन कर सकते हैं। अभी तक हम लोग जो भी सीखे हैं अब उसका प्रैक्टिकल कर देखेंगे। यह है हमारा IDE Xcode। मैं मैकबुक में हूँ इसलिए मैं Xcode यूज़ कर रहा हूँ। आप VS Code या कोई भी IDE जो कि आपको सूट करता है आप वो IDE यूज़ कर सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में IDE को इंस्टॉल करना और यूज़ करना सिखाया था। बेसिकली हमने VS Code का ट्यूटोरियल दिया था, उस ट्यूटोरियल को आप अच्छे से एक बार देख सकते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। तो आज हम लोग अपने C++ के फर्स्ट प्रोग्राम को लिखने जा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्टिव लाइन को लिखते हैं, तो हैश इंक्लूड। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमें ऑप्शंस मिलते जा रहे हैं। आईडी यूज़ करने का यही फ़ायदा है कि हमने इंक्लूड लिखा और उसके बाद हमें ऑप्शन मिल गया। यही नहीं, अगर हम लोग केवल आई एन डालें तो यहाँ पे नीचे हमें हेडर का भी ऑप्शन मिल गया और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आयो स्ट्रीम लिख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक आईडी से एक कलर कॉन्ट्रास्ट मिल रहा है जिससे हम पता कर सकते हैं एक लाइन और दूसरी लाइन में अंतर पता चल जाता है और हम लोग काफ़ी ईजिली अपने प्रोग्राम को ऑटो फिल कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग अपने नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। तो बस हमें यूजिंग लिखना है, यूजिंग नेम स्पेस आ गया, स्टैंडर्ड ये भी आ गया। ओके, उसके बाद हम लोग सेमी कॉलन दे देंगे। सेमी कॉलन ये बताएगा कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन है कि हमें कोई भी वेरिएबल का नेम या फंक्शन का नेम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से यूज़ करनी है, ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे समाप्त होता है। मैं बताऊँगा कि ये अच्छी प्रैक्टिस क्यों नहीं है थोड़ी देर बाद। उसके बाद हम लोग अपने इंट मेन फंक्शन को लिखेंगे जिसका कि रिटर्न टाइप इंट होगा। ओके, और इस फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद जो भी हम चाहते हैं, लाइक अगर हम लोग प्रिंट कराना चाहते हैं अपना नाम या हेलो वर्ल्ड हम लोग प्रिंट कराना चाहते हैं, तो पहले सी आउट फंक्शन लिख दें, उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर लिख दें, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा देंगे और सपोज दैट हम लोग को हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो हम लोग इसको प्रिंट करा सकते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर सेमी कॉलन दे देंगे और फिर इसके नीचे हम लोग इसके, चूँकि ये जो मेन फंक्शन है वो एक इंटीजर है तो इसका रिटर्न वैल्यू जो है वो एक इंटीजर होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर रिटर्न जीरो लिख दे रहे हैं। और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब हम लोग यहाँ पर ये रन बटन है, इस रन बटन को दबाएंगे तो हमारा प्रोग्राम जस्ट
बिल्डिंग हो रहा है और जस्ट हमारा प्रोग्राम जो है रन कर जाएगा। ये हमारा टर्मिनल हुआ, इस टर्मिनल में हमारा प्रोग्राम रन करने की तैयारी कर रहा है और विद इन फ्यू सेकंड्स ये हमारा हेलो वर्ल्ड जो है प्रोग्राम रन हो चुका है और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो चुका है। ये यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं कि इंट मेन के जस्ट बाद ये इस मेन फंक्शन में जो भी हम लोग कंटेंट लिखे हैं, ये जो मैंने सेलेक्ट करा, ये कुछ स्पेस आगे बढ़ गया है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइडेंटेशन। आइडेंटेशन किसी भी कोड को लिखने का एक टेक्निक है, किसी भी कोड को लिखने का एक प्रैक्टिस करने का एक तकनीक है जिससे कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है। मतलब कि अगर किसी फंक्शन के अंदर कोई अगर ब्लॉक ऑफ कोड हम लोग लिख रहे होते तो वहाँ पर आइडेंटेशन का यूज़ करते, जैसे कि मेन फंक्शन के अंदर का ये कंटेंट था। तो इस बात को समझने के लिए कि ये दोनों कंटेंट जो, ये दोनों इंस्ट्रक्शन जो है वो मेन फंक्शन के अंदर का है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इतना सारा ब्लैंक स्पेस छोड़ दिए। उसी तरीके से अगर हम लोग कोई भी कोड लिखते हैं और कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कोई भी लूप्स चलाते हैं, आगे हम लोग आइडेंटेशन का यूज़ बहुत अच्छा से देखेंगे और आप लोग देख सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ाता है। आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है योर फर्स्ट C++ प्रोग्राम और ये जो है आगे में दो स्लैश दिए हुए, जो आगे में दो स्लैश है इसे हम लोग कमेंट कहते हैं, ठीक है, ये कमेंट करना, ठीक है। ये जो दो स्लैश कमेंट जो होता है, कमेंट करने से क्या होता है कि जो भी कमेंट करने के बाद वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है उसको हमारा कंपाइलर है इग्नोर कर देता है। ओके, सपोज डेट कि हम लोग अभी तो हम लोग बहुत छोटे प्रोग्राम लिख रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा कि जब हम लोग भी प्रो कोडर हो जाएंगे और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स हम लोग भी लिखा करेंगे, तो हो सकता है कि हम लोग एक टीम वर्क कर रहे हो जहाँ से एक से अधिक लोगों की टीम हो, हमारी 5-6 लोगों की टीम हो, और सपोज डेट अगर हम कहीं कोड लिख रहे हैं और हम चाहते हैं कि कोई हिडन मैसेज अपने दोस्त को देना ताकि उसे पता चल जाए कि मैंने अगर ये कोड लिखा है तो क्यों लिखा है और इसके आगे उसे कोड कैसे लिखना है, तो अगर वो हमें मैसेज अपने दोस्त तक पहुँचाना है बट हम चाहते हैं कि वो मैसेज हमारा कंपाइलर इग्नोर करे, तो वहाँ पर हम लोग कमेंट का यूज़ करते हैं। किसी भी लाइन के आगे अगर हम डबल स्लैश लगा देते हैं तो वो जो टेक्स्ट है या वो जो लाइन है वो कंपाइलर के द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है। अब आपका कहना होगा कि सर अगर मल्टीपल लाइंस के कमेंट हों तो क्या हर एक लाइन में हम स्लैश स्लैश लगाते जाएंगे, क्या हम लोग हर एक लाइन में स्लैश स्लैश लगाते जाएंगे, तो वहाँ पर यूज़ में आता है मल्टी लाइन कमेंट्स, ठीक है। एक स्लैश देकर हमें एक एस्टेरिस्क मार्क देना होता है और फिर जहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं वहाँ पर एक एस्टेरिस्क मार्क, वहाँ पर एक एस्टेरिस्क मार्क और फिर एक स्लैश देना होता है, फिर एक स्लैश देना होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग कमेंट आउट कर दिए, तो इसको हम लोग कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट, और जो स्लैश स्लैश दिया हुआ है इसको हम लोग कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो है ये है सिंगल लाइन कमेंट कमेंट, और ये जो हम लोग स्लैश और स्टेरिस्क मार्क लगाए हैं ये है मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। ऑल्दो अब हमें इसे डिलीट कर देना चाहिए क्योंकि हम लोग, क्योंकि ये कंपाइलर के द्वारा रीड कर लिया जाएगा। ओके, तो अब हम लोग आते हैं यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड को यूज़ करने का। ये जो है एक बैड प्रैक्टिस है, ये जो हम लोग यूज़ किए हैं यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ये एक बैड प्रैक्टिस माना जाता है। क्यों माना जाता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे तुरंत। इसे बैड प्रैक्टिस, इस यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड को बैड प्रैक्टिस हम लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ पर मतलब नेम स्पेस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे होते हैं एक बहुत ही बड़ा फाइल होता है, ठीक है। तो अच्छी प्रैक्टिस ये मानी जाती है कि जिस भी लाइन में हमें कुछ भी प्रिंट कराना हो, सपोज डेट यहाँ पर हमें प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड, तो हम चाहते हैं कि ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो भी हम लोग प्रिंट करा रहे हैं वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से ही हो, तो यहाँ पर हमें बस STD लिखना होगा और दो बार हमें स्कोप ऑपरेटर, मतलब कि जो है बीच में एक स्कोप ऑपरेटर का यूज़ कर देना होगा, और अगर हम इसे डिलीट भी कर देते हैं तो भी ये रन हो जाएगा। हम लोग देख सकते हैं कि तो भी ये रन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा और कुछ सेकंड्स में देख रहे कि ये हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो चुका है। तो अब हमें समझ में आ गया कि यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लिखने से अच्छा है कि हम लोग जिस भी स्कोप में, मतलब जिस भी लाइन में हमें अगर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का यूज़ करना है वहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का यूज़ करना है वहाँ पर हम लोग STD और स्कोप ऑपरेटर इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि हम लोग सी आउट लिख रहे हैं तो कैसे भी कोई भी चीज़ प्रिंट हो जा रही है, ठीक है। तो वापस हम लोग आते हैं अपने असाइनमेंट ऑपरेटर में, और यहाँ पर देखते हैं कि लिखा हुआ है कि इक्वल टू दिस इज ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू, ये सारा कुछ हम बता दिए हैं, ठीक है।
अब एक और असाइनमेंट ऑपरेटर आता है प्लस इज इक्वल टू। अब एक एक करके हम हर एक असाइनमेंट ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। प्लस इज इक्वल टू, ठीक है, ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये क्या करता है, मान लो कहीं पर भी लिखा हुआ है कि ए प्लस इज इक्वल टू बी, तुम लोगों को पता है कि इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग जानते ना कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो ये जो दिख रहा है ये वो है नहीं, इसका रियल मतलब क्या होगा? ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। जैसे कि सपोज रहे कि हम लोग मान लेते हैं कि इंट बी बराबर फाइव है, ठीक है। अब हम लोग यहां से सी आउट ए करते हैं, सी आउट ए करते हैं, तो बोलो क्या प्रिंट होगा? ए बराबर क्या लिखा हुआ है? देखो तो हमारा क्या है कि चलो इस कोड को क्लीन कर देते हैं। सपोज दैट हमारा एक कोड है, हमारे पास एक वेरिएबल इंट बी इज इक्वल टू फाइव, ठीक है। एक और हम लोग वेरिएबल बनाते हैं इंट ए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि नीचे लिखते ए प्लस इज इक्वल टू बी। तो ये देखो तो ये हमारा एक तरीके का असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ। तो हम लोग जनरली कहते हैं ना कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो ये तुमको ये दिख रहा है, तुमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा इस तरह पे यहाँ पे क्या लिखा है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब मान लो कि अगर कोई तुमको बोल दे कि ए का वैल्यू प्रिंट करके दिखाइए तो क्या होगा? ए का वैल्यू जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो देखो तो हमारा हमको पता है कि बी इज इक्वल टू फाइव है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो मान लो कि ए का भी मान लेते हैं कि ए का इनिशियल वैल्यू भी तीन है, ठीक है। मान लेते हैं कि ए का इनिशियल वैल्यू तीन है, तब देखो तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा? पांच और तीन आठ होगा। ए प्लस बी का वैल्यू जुड़ के क्या होगा? आठ होगा। अब ये आठ आकर ए में स्टोर हो जाएगा। तो जब हम लोग ए को प्रिंट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? आठ आएगा। चलो एक और हम क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। कि मान लो कि ए इज इक्वल टू तेरह है, बी इज इक्वल टू माइनस सिक्स है, ठीक है। और हम बोल रहे हैं कि बी प्लस इज इक्वल टू ए। अगर हम ऐसा बोल रहे बी प्लस इज इक्वल टू ए और उसके बाद हम बोल रहे कि बताओ बी का वैल्यू क्या होगा, तो जल्दी बताओ तो बी का वैल्यू क्या होगा? सोचो कि बी का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले तो तुमको ये सोचना है कि बी प्लस इज इक्वल टू ए का मतलब होता है बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। अब देखो तो बी प्लस ए का वैल्यू क्या होगा? बी का वैल्यू माइनस सिक्स है और ए का वैल्यू थर्टीन है, ठीक है। तो यहाँ पर ए प्लस बी करेंगे तो क्या होगा? थर्टीन प्लस माइनस सिक्स। आई थिंक अलजेब्रा का इतना तो जोर घटाओ तुम लोगों को आता ही होगा, ठीक है। तो तेरह में से छह गया तो क्या आया? सात, ठीक है, सात आया। तो यहां पर क्या हो गया? बी प्लस ए का वैल्यू क्या आएगा? सात। तो सात जो है यहां पर स्टोर हो गया, यहां पर क्या स्टोर हो गया? सात स्टोर हो गया। तो जब हम बी का वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो सेवन आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक यहां तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम अपने अगले असाइनमेंट ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं। इसको जनरली शॉर्ट कट में सी प्लस प्लस शॉर्ट हैंड भी कह देते हैं, ठीक है। तो कहीं सी प्लस प्लस शॉर्ट हैंड भी लिखा रहे तो समझ जाना। तो चलो अब मैं तुम लोग को कुछ होमवर्क दूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग इसको कितना अच्छे से समझे हो। नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग आंसर डालना कि क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि एक हमारा वेरिएबल है ए, रुको, मान लो कि एक वेरिएबल हमारा ए इज इक्वल टू थर्टी, बी इज इक्वल टू फिफ्टी, सी इज इक्वल टू माइनस एट, ओके। ये हमारा वेरिएबल है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं कि सपोज दैट सी प्लस इज इक्वल टू बी, सी ए प्लस इज इक्वल टू सी, ए प्लस इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये तीन ऑपरेशन हम लोगों को करना। एक बात याद रखना कि हमारा जो कोडिंग होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, कि पहले वो इस बात को समझेगा, फिर इस बात को समझेगा, फिर इस बात को समझेगा, फिर इसको कैलकुलेट करेगा, फिर इसको कैलकुलेट करेगा, फिर इसको कैलकुलेट करेगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम लोग तीनों वेरिएबल को प्रिंट करा देंगे। सी आउट ए, सी आउट लिख देते हैं, सी आउट बी, सी आउट सी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, देख लो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को, कि हमारे पास ए का वैल्यू 13 दिया हुआ है, बी का वैल्यू 15 दिया हुआ है, सी का वैल्यू माइनस 8 दिया हुआ है, उसके बाद सी प्लस इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, ए प्लस इज इक्वल टू सी दिया हुआ है, ए प्लस इज इक्वल टू बी दिया हुआ है।
ये तीनों ऑपरेशंस करने के बाद, ये तीनों असाइनमेंट ऑपरेटर्स को एक के बाद एक यूज करने के बाद ए बी और सी का वैल्यू क्या होगा ये बताइए, और उसके बाद लास्ट में आप ए प्लस बी प्लस सी का भी वैल्यू बताइए। तो सीधी बात है कि जब आप ए बी सी का वैल्यू बता दोगे तो ए प्लस बी प्लस सी का तो वैल्यू बता ही दोगे। तो ये आपका होमवर्क है, जल्दी से इसको कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे क्लासमेट्स के साथ, सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि वो भी इतने ऑसम लेक्चर से कोडिंग को सीख सके, बिल्कुल फंडामेंटल से अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सके। और मैं तुम लोग को लास्ट बार फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों को ZIO की एग्जाम जरूर देनी चाहिए, IO एक एग्जाम जरूर देनी चाहिए। आने वाले एक दो दिन में उसकी काफी डिटेल्ड वीडियो आने जा रही है, तो प्लीज उस एग्जाम को कंसिडर करना, मत भूलना, वो एग्जाम तुम लोगों की लाइफ को चेंज कर सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।